हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले रोटेशनल डायनेमिक्स का जो पार्ट हमने अभी तक पढ़ा है उसका हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और जो प्रॉब्लम हमें जेडब्ल्यू नीट, सीईटी और बाकी एंट्रेंस एग्जाम में हमें जो इम्पोर्टेंट्स है, जो फॉर्मूले हम उसका रिवाइज करने वाले हैं, बराबर। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बराबर। तो हमने अभी तक देखा, तो हमने अभी तक क्या देखा, तो पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा वो हम अभी रिवाइज करते हैं। चलो, तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले फॉर फॉर प्रॉब्लम्स। तो पहले हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर पढ़ा था, पहले हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था, बराबर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, सो डी एस वेक्टर बाय डी टी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, राइट। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी विच इज इक्वल टू डी थीटा बाय टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थर्ड, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट। ओके, सो जो भी वेक्टर है वहां पर वेक्टर लिखना पड़ेगा, सो डी ओमेगा बाय डी टी। नेक्स्ट है लीनियर एक्सेलरेशन, नेक्स्ट है लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। लीनियर एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई डीवी बाय डी टी। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूला वी इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी विच इज नथिंग बट द आर ओमेगा, विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा, राइट। सो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्मूला क्या बनेगा, वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टर्म्स में क्या आएगा, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल कहाँ पर है, बॉडी कहाँ पर है, सिस्टम कहाँ पर है, आर क्या होगा उसका पोजिशन। नेक्स्ट है ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू थीटा बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। ओके, देयर फोर थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, राइट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन बाई टी, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। नेक्स्ट है ओमेगा इक्वल टू टू पाई एन, ओमेगा इक्वल टू टू पाई एन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू टू पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट है ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाय टी, ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाई टी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टू पाई इज अ कॉन्स्टेंट एंड टी इज अ टाइम पीरियड, राइट। ओमेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड इक्वल टू टू पाई बाई टी। नेक्स्ट है ट्वेल्व, थीटा इक्वल टू टू पाई टी, टू पाई टी डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टाइम पीरियड। यहाँ पर क्या गया, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू टू पाई टी डिवाइडेड बाय टी, बराबर। नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, देयरफॉर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन डिवाइडेड बाय टी, राइट, विच इज इक्वल टू टू पाई डिवाइडेड बाई टी एन टू माइनस एन वन, एन टू माइनस एन वन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। रेडियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, ओके, सॉरी रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। अगर कन्वर्ट किया तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू वी इंटू ओमेगा, क्या मिलेगा, वी इंटू ओमेगा। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रीपेटल फोर्स, नेक्स्ट है सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स एफ इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, क्या आएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, क्या आएगा। ओके, अगर रीअरेंज किया, और हमने पहले लेक्चर में भी देखे थे, अगर लेक्चर एक फॉर्मूले कैसे अरेंज होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर किसी भी पॉइंट्स पर अगर आपको डाउट है तो। टू पाई स्क्वायर, और यहाँ पर नंबर भी दिया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टू पाई स्क्वायर एम आर एन स्क्वायर, अगर रीअरेंज किया तो क्या आएगा, फोर पाई स्क्वायर एम इंटू आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, क्या आएगा, टी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था बैंकिंग ऑफ रोड, राइट, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, उसके लिए वेलोसिटी कितना आया था बैंकिंग व्हीकल के लिए, वी इक्वल टू आर जी टेन थीटा, बराबर, मोर सेफ स्पीड। ओके, देयर फोर टेन थीटा क्या आएगा, रीअरेंज करो टर्म्स, टेन थीटा क्या आएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी, बराबर, रीअरेंज किया टर्म्स तो क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी। ओके, नेक्स्ट वी वन मिनिमम, वी वन मिनिमम क्या आया था, स्क्वायर रूट आर जी, स्क्वायर रूट आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू एस,
टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय वन प्लस म्यू एस इंटू टेन थीटा। नेक्स्ट वी टू मैक्सिमम आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। म्यू एस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके ओके, ये सभी हमें हमने पढ़ा था बराबर। नेक्स्ट हमने एप्लीकेशन पढ़ा था वेल ऑफ डेप्थ बराबर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेल ऑफ डेप्थ। ओके, वेल ऑफ डेप्थ हमें उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी कितना मिला था, वी इक्वल टू रूट आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यन मिनिमम क्या मिला था चेक करो, यम वी मिनिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू यम जी डिवाइडेड बाय म्यू एस बराबर। ओके, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कोनिकल पेंडुलम बराबर। कोनिकल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड क्या आया था, ओके कोनिकल पेंडुलम, ओके कोनिकल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड टी क्या आया था, टू पाई स्क्वायर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी राइट। ये डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो वीडियो जो प्लेलिस्ट है वहां जाके आप देख सकते हो बराबर। टेंशन टी जीरो क्या मिला था, टेंशन टी जीरो एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा राइट। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी उस बॉब के लिए कितना मिला था, वन हाफ एम वी स्क्वायर, वन हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू वन हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर राइट। ओके, नेक्स्ट हमने नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये सभी प्रॉब्लम आपको बोर्ड, ये सभी फॉर्मूलेज आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए एट मैक्सिमम पॉइंट वेलोसिटी क्या मिला था, वी ए मिनिमम इक्वल टू रूट आर जी, क्या मिला था रूट आर जी। ओके, एट लोएस्ट पॉइंट क्या मिला था, एट लोएस्ट पॉइंट वी बी मिनिमम इक्वल टू रूट फाइव आर जी। एंड एट सी पॉइंट क्या मिला था, वी सी मिनिमम इक्वल टू रूट थ्री आर जी बराबर। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के चेंज द कलर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। इसका भी आप डेरिवेशन प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी क्या आता है, आई इक्वल टू समेशन और आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन एम आई आर आई स्क्वायर बराबर। एम आई इज अ पार्टिकल्स मास एंड आर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस राइट। ओके ठीक है, अगर ये समेशन एक्सपांड किया तो क्या मिलेगा, आई इक्वल टू वन पुट करो क्या मिलेगा, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस लिखो आई इक्वल टू टू पुट करो क्योंकि आई कहाँ से वेरी हो रहा है वन टू एन बराबर। ओके, नेक्स्ट आई इक्वल टू टू पुट करो एम टू आर टू स्क्वायर अगेन प्लस लिखो क्योंकि समेशन है, आई इक्वल टू थ्री पुट करो एम थ्री आर थ्री स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आएगा प्लस लिखो एम फोर आर फोर स्क्वायर अप टू लास्ट टर्म क्या आएगा हमारा एन एम एन आर एन स्क्वायर। ओके, तो ये हमने लेक्चर में भी पढ़ा था बराबर। देयर फोर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर ओके विच इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, देयर फोर के इक्वल टू आर। ओके, यहाँ से क्या करो, के की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट निकाला तो क्या आएगा, आई डिवाइडेड बाय एम। ओके ओके, अभी प्रॉब्लम्स बाकी है, रुको। ओके, कहाँ थे हम, ओके काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट पॉइंट था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट हमने पढ़ा था बराबर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के इक्वल टू हमें क्या मिला था, वन हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर राइट। ओके, तो अगर ये हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के इक्वल टू वन हाफ एम वी स्क्वायर, वन हाफ एम वी स्क्वायर बाहर निकाला था बराबर, वन प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, ये डेरिवेशन हमने पढ़ा है
आप क्या करो, प्लेलिस्ट में जाके देखो। सो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या मिला था, स्क्वायर रूट 2 जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बराबर फॉर प्योर रोलिंग। नेक्स्ट एसोलेशन क्या मिला था, एसोलेशन ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट जी साइन थीटा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस।